जन जागरण अभियान, लगातार बढ़ती महंगाई व केंद्र सरकार की गलत नीतियों के विरोध में एवं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी ब्लॉकों में जन जागरण अभियान पद यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में सारंगढ़ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कांग्रेस सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने व केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ जन जागरण पद यात्रा की जा रही है, जहां आज ग्राम पंचायत मलदा में इसका आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ ग्रामीण के अध्यक्ष अरुण मालाकार के मार्गदर्शन में चल रही जन जागरण अभियान पद यात्रा 11वां दिवस में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उलखर कोसीर के नेतृत्व में ग्राम मलदा अ के बाजार में सभा आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। जन जागरण पद यात्रा में कांग्रेस पदाधिकारी, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ जनों, महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, NSUI सहित समस्त संगठनों के पदाधिकारियों व जोन सेक्टर बूथ कमेटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। अभी आप जो गांव-गांव में जन जागरण पद यात्रा निकाले हैं, तो क्या उद्देश्य है? जन जागरण का उद्देश्य एक ही तो है, हमारे आदरणीय मोहन मरकाम जी और हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जो मोदी सरकार का जो बेवकूफ़ीपन है, जो हमको ठगा जा रहा है जनता को, उस चीज़ को हम जनता तक व्यक्तिगत रूप से पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं जन जागरण के माध्यम से, ताकि जनता लोग उसमें उनके जो क्या कहना चाहिए, जो भुलावा है उसमें ना फंसे। अभी जो केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार, वो जो 3 किसान बिल लाया था, उसको वापसी लिया गया है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? वापसी लिया है, खाली मुंह से बोला गया है, और ये वापसी का जो जो किया गया है वो मोदी का किया गया है, वो प्रधानमंत्री का नहीं है। प्रधानमंत्री अगर सदन में बोल दे, सदन में पास करे, तब वो मान्य होगा। तो आगे आप किस तरह से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सदन में उसको पास कराए और किसानों को इस काले कानून बिल से मुक्ति दिलाए।